हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी लोग। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। गाइज, जैसा कि आप लोगों को पता है, पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा 21% है और ये शुद्ध नहीं है। इसके अंदर और भी गैसें हैं जो हम लोग लेते हैं, हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। परंतु गाइज, आज मैं आप लोग को शुद्ध ऑक्सीजन 100% बना के घर पे दिखाने वाला हूँ और इसको हम लोग केमिकल की सहायता से घर पे इजिली बना सकते हैं। और गाइज, आप लोग को जैसा ये भी पता है, जो ऑक्सीजन है इसकी सहायता से ही आग जलती है, और ऑक्सीजन ना हो तो आग नहीं जलेगी। क्या हो अगर 100% ऑक्सीजन हो जाए और इसके अंदर अगर हम लोग आग को जलाएं तो कैसा रिएक्शन करेगा, तो इसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करेंगे। चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग कुछ नया सीख लेते हैं। गाइस, यह हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। गाइस, इसका यूज हम लोग अधिकतर घर की साफ सफाई करने या घाव वगैरह चोट लगी हो तो साफ करने में यूज करते हैं। और गाइस, मेरे पास एक दूसरा केमिकल है, ये देखिए, पोटेशियम परमैंगनेट। गाइस, इसका जो यूज है आप लोगों को पता है, इसका भी यूज बैक्टीरिया वगैरह को साफ करने में, साफ सफाई में यूज किया जाता है। तो गाइस, इन दोनों का रिएक्शन करवा के हम लोग ऑक्सीजन गैस को क्रिएट करेंगे। यहाँ पर मैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड को निकाल लेता हूँ एक बीकर के अंदर। गाइस, इसके बाद में यहाँ पर ये देखिए, कांच का दूसरा बर्तन है, इसके अंदर मैं यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड के इसके अंदर डाल देता हूँ। अब गाइस, इसके अंदर हम लोग मिक्स करेंगे पोटेशियम परमैंगनेट को। तो पोटेशियम परमैंगनेट को मैं कुछ इस तरीके से एक प्रकनली में निकाल लेता हूँ। अब गाइस, इसको हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अंदर डाल देंगे। गाइस, ये कुछ ज़्यादा रिएक्शन हो गया जिसके कारण इसके अंदर का जो भी अंदर का मेटेरियल था सारा बाहर आ गया। गाइस, इसको हमें थोड़ा सा बड़ा बर्तन लेना चाहिए था क्योंकि थोड़ा सा ये ज़्यादा रिएक्शन करता है। तो गाइस, यहाँ थोड़ी सी क्वांटिटी और डाल के मैंने इसको एक गैस को बना दिया है। अब गाइस, यहाँ पर मैं एक देखिए माचिस की तिल्ली है, इस माचिस की तिल्ली को इसके अंदर डालूँगा तो आप लोग देखिए इसका जो लाइट है आग का कुछ ज़्यादा ही हो गया। देखिए, हाई स्पीड गति से जल रहा है। देखिए,